दोस्तों आज इस वीडियो में एक स्मॉल हाउस प्लान का डिटेल्स बनाएंगे जिसका साइज है 20x25 फुट, मतलब टोटल 500 स्क्वायर फुट का स्मॉल 2 BHK का हाउस प्लान डिटेल्स में बनाएंगे। ओके, एंड इसका 3D जो व्यू होता है वो भी दिखाएंगे इस वीडियो में। ओके, एंड ये बिल्डिंग टोटल कंप्लीट होने के कितना खर्चा होने वाला है वो भी बताएंगे, इसीलिए वीडियो का अंत तक देखना। ओके, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे दिखाई जो दे रहा है ये इस बिल्डिंग का प्लान है। ओके, 20 फुट बाई 25 फुट है, इसका वाइड 20 है, इसका जो लेंथ है 25 फुट। ओके, पहले आपका जो एंट्री होता है वो स्टेयर रूम होता है। ओके, स्टेयर रूम का जो साइज होता है वो देखिए 7 फुट 8 इंच बाई 8 फुट 10 इंच। ओके, एंड उसके बाद आपका एंट्री होता है ड्राइंग कम डाइनिंग रूम में। ओके, जिसका साइज है 7 फुट 8 इंच बाई 8 फुट 11 इंच। ओके, एंड इधर आपका 2 बेडरूम मिल जाता है, बेडरूम 1 जिसका साइज है 11 फुट 1 इंच बाई 10 फुट 1 इंच। ओके, एंड दूसरा वाला जो बेडरूम है उसका साइज है 9 फुट 3 इंच बाई 11 फुट 1 इंच। ओके, एंड ए कॉमन टॉयलेट है जिसका साइज है 4 फुट बाई 7 फुट 3 इंच। ओके, एंड इधर आपका ड्राइंग कम डाइनिंग से कनेक्टेड आपका किचन मिल रहा है जिसका साइज है 7 फुट 8 इंच बाई 6 फुट। ओके, एंड इधर आपका डाइनिंग से कनेक्टेड आपका स्टेयरकेस दिखाई दे रहा है। ओके, एंड स्टेयरकेस का जो वाइड होता है वो 3 फुट होता है, एंड इसका जो ट्रेड मतलब इधर से इतना जो है वो 10 इंच है, एंड इसका राइजर मतलब हाइट है 6 इंच। ओके, देखिए ये 3 स्टेप वाला स्टेयर है 3 फोल्ड। ओके, एंड ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है इस टाइप का स्टेयर केस। एंड ये बिल्डर्स तो ये जो बिल्डिंग का हाइट है वो 10.5 फुट हाइट है। ओके, एंड इसका जितना कॉलम है उसका कॉलम का साइज 10 इंच बाई 10 इंच, एंड हम लोग ये जो कॉलम है इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। दोस्तों हमारी कॉलम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, हम लोग काउंट कर लेते कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कॉलम है, एंड इसका टोटल एरिया है 500 स्क्वायर फुट। ओके, एंड ये स्मॉल एरिया है इसलिए इसका जो वॉल पार्टीशन वॉल है मेन वॉल नहीं है। ओके, आउटसाइड इनर साइड सारी आपका पार्टीशन वॉल वाला साइज है 5 इंच है, उसका भी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ओके, दोस्तों इनर वाला एंड आउटर वाला सारी वॉल कंस्ट्रक्शन कर लिया। ओके, देखिए इसका जो वॉल है वो भी कंप्लीट हो गया, एंड इसका बाद इसका जो प्लिंथ हाइट है बिल्डिंग का वो भी मार्किंग कर लेते हैं। नॉर्मली इसका प्लिंथ जो हाइट होता है वो ये डिज़ाइन में 2 फुट है। ओके, अगर जो आपका प्लान का मुताबिक होता है नॉर्मली 2 फुट से 3 फुट होता है। ओके, इसका भी मार्किंग कर लेते हैं जो प्लिंथ हाइट है। दोस्तों जितना प्लिंथ हाइट है वो कंप्लीट हो गया, एंड जो स्टेयर रूम का देखिए उसका जो हाइट है वो 1 फुट कम है। ओके, क्योंकि इसका जो गेट है इसका गेट के लिए इसका हाइट कम है, ये भी जो गेट है वो भी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ओके, देखिए आपका जितना चाहिए वो कंप्लीट कर लीजिए इसका। ओके, इधर आपका गेट मिल गया, 7 फुट का इसका हाइट है एंड 3 फुट उसका वाइड है। ओके, एंड आपका जितना भी आपका अंदर वाला जो गेट है वो भी कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। ओके, जैसा आपका घर का जितना सारा आपका गेट है वो उसका 7 फुट होगा। ओके, वो मार्किंग करने के बाद आपका जो गेट है वो कंस्ट्रक्शन कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए जितना सारा डोर विंडो है सब कंप्लीट हो गया, देखिए टोटल कंप्लीट हो गया, एंड जितना आपका जो प्लिंथ हाइट है उसका भी कलर कर दिया अलग तरफ से क्योंकि वो देखने में भी अच्छा लगता है। ओके, आपको मालूम भी हो रहा है जब ये प्लिंथ हाइट है 2 फुट है। ओके, एंड देखिए सारी आपका डोर विंडो सब कंप्लीट हो गया, एंड एक किचन रूम एक किचन सेल्फ भी कंप्लीट हो गया। ओके,
एंड दोस्तों ये आपका कलर कंप्लीट हो गया है, ऐसा डिज़ाइन है 3D का। ओके देखिए आपका फ्रंट वाला जो विंडो है उसका डिज़ाइन इस टाइप का है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओके एंड इसका जो मॉडलिंग है देखिए, इधर आपका छोटा सा गार्डन मिल रहा है। ओके एंड इधर डोर मेन डोर का छोटा सा स्टाइल है, डिज़ाइन है। ओके एंड विंडो का डिज़ाइन देखिए जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आपका जितना सारा विंडो है सेम इसका डिज़ाइन है। ओके एंड फ्रंट में देखिए, फ्रंट जो व्यू है अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऐसा ही है, लेकिन इसका कलर कंप्लीट है। ओके इधर आपका डाइनिंग सेट आराम से एडजस्ट हो जाएगा। ओके एंड 6 सीट वाला डाइनिंग सेट इधर एडजस्ट हो जाएगा। एंड इधर कलर कॉम्बिन देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर कॉम्बिन है। एंड इस वॉल पर जो मॉडलिंग है वो भी देख लीजिए, न्यू डिज़ाइन है। ओके एंड आपका इधर से डाइनिंग से कनेक्टेड आपका किचन रूम दिखाई दे रहा है। ओके जो बहुत ही आपका खूबसूरत किचन दिखाई दे रहा है। ओके एंड इधर किचन सेल्फ के लिए जगह है एंड इधर बेसिन के लिए जगह है। इधर आपका विंडो दिखाई दे रहा है जो विंडो का साइज है ओके 3 फुट बाई 3 फुट। ओके जो बहुत ही खूबसूरत आपका किचन वाला जो विंडो है। ओके एंड आपका डाइनिंग रूम से कनेक्टेड आपका जो बेडरूम देखा जाए, बेडरूम 1। ओके एंड बेडरूम 1 का कलर देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है। ओके एंड इधर आपका 6x7 बेड आराम से एडजस्ट हो जाएगा। एंड सोफा अलमारी के लिए इस साइड एंड इस साइड स्पेस मिलेगा। एंड इधर आपका 2 विंडो दिखाई दे रहे जो 4 फुट बाई 4 फुट है विंडो। ओके एंड देखिए कितना खूबसूरत आपका विंडो है। ओके एंड कलर भी देखिए, जो रूम का कलर कॉम्बाइन बहुत ही अच्छा है। ओके एंड डाइनिंग रूम से कनेक्टेड जो कॉमन टॉयलेट है वो दिखाई दे रहे। ओके एंड इसका जो साइज़ देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका साइज़। एंड इस साइज़ में आपका टोटल जो मॉडुलर टॉयलेट होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके एंड इधर आपका एक वेंटिलेशन दिखाई दे रहे। ओके जिसका साइज है 2 फुट बाई 2 फुट। ओके एंड डाइनिंग से कनेक्टेड और एक बेडरूम है, उसका कलर देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है। ओके एंड इधर आपका 6x7 बेड आराम से एडजस्ट हो जाएगा। एंड इधर आपका कवर्ड अलमारी के लिए स्पेस है, इधर भी थोड़ा स्पेस मिलेगा। एंड इधर आपका 2 विंडो दिखाई दे रहे जो 4 फुट बाई 4 फुट है। ओके एंड इसका भी सेम डिज़ाइन है। ओके लेकिन बट इधर आपका फ्रंट वाला जो विंडो है वो थोड़ा यूनिक डिज़ाइन है। ओके देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड टॉप व्यू में देखिए, फ्रंट में आपका स्टेयरकेस मिल गया, स्टेयर के बाद आपका डाइनिंग रूम एंड डाइनिंग रूम से कनेक्टेड आपका किचन रूम एंड डाइनिंग से कनेक्टेड आपका एक बेडरूम। ओके एंड उधर से आपका डाइनिंग से कनेक्टेड आपका कॉमन टॉयलेट एंड डाइनिंग से कनेक्टेड आपका और एक बेडरूम। ओके बहुत ही खूबसूरत प्लान है आपका, 500 स्क्वायर फुट में 2 BHK का फ्लैट जैसा है। ओके जो बहुत ही खूबसूरत है एंड 9 कॉलम में आपका जो एक टोटल कंप्लीट हो रहा है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन वो भी बहुत ही अच्छा है। ओके एंड दोस्तों 3D फ्रंट व्यू में कैसा देखते हैं वो भी देख लेते हैं। ओके दोस्तों अभी आप लोग जो 3D मॉडल देखा उसका फ्रंट व्यू है, देखिए कितना खूबसूरत इसका फ्रंट व्यू है। एंड इसका साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू देखिए कितना खूबसूरत इसका फ्रंट व्यू है। ओके देखिए एक साइड है एंड बैक साइड का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू प्लान है। ओके एंड एक सिंपल मॉडल है, जो सिंपल मॉडल है वही ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके दोस्तों अभी आप लोग जो 3D व्यू देखा सिर्फ ग्राउंड फ्लोर करने के लिए, मतलब आपका 500 स्क्वायर फुट सिर्फ ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट करने के लिए आपका खर्चा होने भरे अप्रोक्स 6 to 8 lakh rupees ऑल ओवर इंडिया में। बट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आपको भी मालूम है एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए कितना वेराइटीज टाइप का मटेरियल उपयोग होता है एंड उसका भी वेराइटीज टाइप का ब्रांड है, इसीलिए आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका लोकेशन, आप घर बना सकते हैं उसका लोकेलिटी, आपका रोड नज़दीक है क्या, उधर का लेबर का चार्ज क्या है, जो रॉ मटेरियल मतलब जो आपका कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए रॉ मटेरियल वो कितना प्राइस में मिल रहा है। ओके कोई भी लोकेशन में आप कंस्ट्रक्शन कीजिए तो अप्रोक्स 6 to 8 lakh rupees में आपका एक सुंदर सा हाउस कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई भी आपका जो बिल्डिंग प्लान है आपको चाहिए हम बना देंगे बहुत ही कम प्राइस में। ओके एंड दोस्तों वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अगर आपको अच्छा लगा
तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। एंड भाई जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ओके। एंड जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो इस चैनल पे जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा ओके। एंड दोस्तों फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।